Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut में 300 करोड़ रुपए की लागत से NTPC व नगर निगम द्वारा बनाए जाने वाले कूड़ा निस्तारण प्लांट का आज भूमि पूजन व शिलान्यास किया गया। 18 माह में तैयार होने वाले इस प्लांट से शहर की कूड़ा समस्या से निजात मिलने की बात कही जा रही है। नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए सूखे कूड़े से NTPC ब्रिक्स बनाएगा, जो है कंपनी जलाकर बिजली उत्पादन करेगी। हाल ही में नगर निगम व NTPC में इस आशय का MOU हुआ है। आज इस प्लांट का परीक्षितगढ़ रोड स्थित गावड़ी में भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि लंबे समय से मेरठ की जनता अपने हकों से वंचित थी। पिछले महापौर ने कोई विकास कार्य नहीं किया, लेकिन अब सारे काम होंगे। फर्स्ट बाइट डॉट टीवी के कैमरे ने इन पलों को कुछ इस तरह से कैद किया, देखिए। महामांगलिक मास आश्विन मास दे गौरी के हरि वाहन राजत खड़ग खपरदा भैया खड़ग खपरधारी सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी मां जय मित्रा जी आदरणीय श्री अनुभूमि जी आदरणीय श्री अमित अग्रवाल जी आदरणीय श्री धर्मेंद्र भारत जी इस शुभ अवसर पर मैं अपनी शुभकामना देता हूं और ये योजना मेरठ की जनता के लिए वरदान साबित हो ये शुभकामना है मेरी और मुझे भरोसा है कि काम में कोई कठिनाई नहीं आएगी। एक बात जरूर नगर प्रमुख जी से कहूंगा कि कम से कम पिछली बार अधिकारियों ने जैसा आपने स्वयं कहा हमारे बीच उपस्थित भाई राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मेरे ठाकुर के सांसद अरुण गोविंद जी और पार्टी के अध्यक्ष भाई ऋतुराज जैन मैं इस काम को पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ हूं और ये जो आज हो रहा है यहाँ पर ये प्लांट का उद्घाटन यहाँ आज उद्घाटन नहीं है बल्कि शुरुआत होने जा रही है। ये दिशा में पहला कदम है क्योंकि हमारे शहर से अगर पूरा हट जाता है तो शहर अपने आप साफ दिखाई देने लगता है। तो हरिकांत जी को और सभी पूरे नगर निगम को पूरी नगर निगम की टीम को बहुत बहुत बधाई और हम सब जैसे आज इस काम में जुड़े हैं सब हम सभी लोगों ने इसके लिए प्रयत्न किया है। हरिकांत जी ने कहा कि मैंने कुछ खास प्रयत्न किया है तो प्रयत्न इज नॉट इम्पॉर्टेंट हम किसके लिए कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट कैसे वक्त किसने कराया दैट ऑल्सो इज नॉट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये प्लांट यहाँ लगाने के लिए मिला और ये प्लांट यहाँ लगेगा और हमारा शहर बहुत साफ रहेगा और बहुत विकास होगा यहाँ पर दैट वॉज इम्पॉर्टेंट ये किसके द्वारा होगा दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी पर यह है कि मैं सच हूं मेरे राम जी को मैं छोड़ देता हूं तो मैं ये जरूर कहूंगा कि ये सब राम जी की कृपा है जिसकी वजह से मेरे पर ये सारे काम अब होने शुरू हो गए हैं। तो एक बार फिर से नगर निगम को हरिकांत जी को नगर आयुक्त जी को बहुत बहुत बधाई और आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। इस मौके पर मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने फर्स्ट बाइट डॉट टीवी से यह कहा इंदौर अंबिकापुर भी मैं देख रहा हूँ और समस्तीपुर को लेकर के गया इसलिए मेरा निवेदन है ले जाए मेरा भी सपना है और आपके सपने के साथ मैं अपने सपने को जोड़ते हुए बहुत अच्छी शुरुआत है धन्यवाद जगह पर जहाँ हम रहते हो जहाँ हम काम करते हो उसका साफ रहना बहुत जरूरी है बिकॉज मैं ये मानता हूँ क्रिएटिविटी को बढ़ाता है हमारी सोचने की शक्ति को बढ़ाता है हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है सकारात्मक एक एटीट्यूड देता है जब हम साफ जगह में रहते हैं उस लिहाज से बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत जरूरत थी इस शहर को।
हालांकि अभी भी मुझे बताया गया कि 18 महीने लगेंगे इस प्लांट को बनने में, दुरुस्त आ तो गया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नगर निगम की टीम को कि वो इसको समय पर पूरा करा लें और इसको शुरू करें। सभी लोगों ने इसको करने में बहुत मेहनत की और ये बड़े ये भी गर्व की बात है कि तीसरा प्लांट है हिंदुस्तान में जो हमने को मिल गया और बहुत अच्छी शुरुआत। चौथी फोर्थ प्लांट दैट्स व्हाट ही बट ही सेड एक बनारस में है एक गोरखपुर में तीसरा कहाँ पर है नोएडा में। चलिए मैं अपने शब्द बदल देता हूँ तो चौथा प्लांट चौथी सौगात हमें मिली है बहुत अच्छी सौगात है बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए पूरे मेरठ को मेरठ वासियों को एक अच्छी शुरुआत है। और कल ही राज्यों के जो है वो रिजल्ट आए हैं हरियाणा में बंपर जीत हुई है बीजेपी के एग्जिट पोल बिल्कुल पूरी तरह उलट गए बहुत मजा आया लोकसभा इलेक्शन में आरक्षण खत्म हो जाएगा लोकतंत्र को खतरे में है ये सारी चीजें सारे झूठ जो है ना अपने आप खुल गए हैं सब कुछ साफ साफ हो गया है कि कहाँ क्या है और फिर से लोगों को समझ में आ गया है कि हमारे लिए कौन सा दल सही है तो जो सही दल है वो उसी को उन्होंने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुशी हो रही है। राहुल गांधी ने कहा था जलेबियों को जलेबियां बड़ी ट्रेंडिंग थी इस दौरान। राहुल गांधी के जो वो कहते हैं उसके विषय में कोई भी नहीं करना वो कुछ भी कहते कुछ और पूछ लीजिए मेरठ के जितने कुछ सालों में रुके हुए सारे हो जाएंगे ये मेरा वादा। मौके पर मौजूद राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यह कहा को बेहतरीन जीत मिली है एग्जिट पोल के सारे नतीजे जो थे वो फेल हो गए क्या कहेंगे। असल में एग्जिट पोल बताने वाले लोग बताते समय ये समझते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि और वो उसे एग्जैक्ट पोल समझ के बताते हैं सो भगवान भी कहीं बैठा है उसने उनको उसका प्रभाव दिखाया है कि तुम बहुत अहंकार के साथ जो एग्जैक्ट पोल बताते हो वो एग्जैक्ट नहीं है एग्जैक्ट वो है जो हम तय करेंगे और जो भगवान ने तय किया था वो हमारे साथ में। राहुल गांधी बहुत जलेबी कह रहे थे तो हमने मेरठ में पहल की है हरियाणा के बाद देश भर में मेरठ में पहल की है हमने अपने दरवाजे पे जलेबी ही बांटी है लड्डू नहीं बांटा। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं यूपी में कल हरियाणा में जो हुआ इतिहास बदल जाएगा इतने में। मेरठ के महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने इस प्लांट के बारे में यह जानकारी दी। आज ये कूड़ा प्लांट का यहाँ पर भूमि पूजन होने वाला है क्या सुविधा मिलने वाली क्या प्रोजेक्ट है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा मेरठ महानगर में लगभग 1100 टन कूड़ा रोज इकट्ठा होता है और ये एक तरीके से मेरठ महानगर के लिए अभिशाप बना हुआ है और लगभग जो रोज कूड़ा इकट्ठा होता है उसके ऊपर निस्तारण की व्यवस्था इस मेरठ महानगर में नहीं है और लगभग 11 लाख टन कूड़ा लोहिया नगर में इकट्ठा हुआ है तो इसके लिए हम बराबर योजनाओं के लिए परम सदैव प्रधानमंत्री जी परम सदैव मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते रहे 8-10 महीने बराबर पत्र लिखने पर परम सदैव प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार की इस योजना के तहत यहाँ पर ये प्लांट हमें दिया है परम सदैव मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये प्लांट हमें मिला है। मैं समझता हूँ ये 2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा 18 महीने में कंप्लीट होना है पर वो 2 साल का समय उन्होंने कहा है उससे जब मेरठ महानगर की कूड़े की समस्या है तो मेरठ महानगर एक तरफ व्हाइट टॉपिंग रोड बनवा रहा है बहुत कुछ कर रहा है आने भी बहुत स्मार्ट सिटी में बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं तो वो सब दिखाई देने लगी। उसके लिए गोबर इस मेरठ महानगर की बड़ी समस्या है उसके लिए हमारी एक कंपनी से बात कर ली है 400 टन गोबर रोज लेंगे और वो मैं समझता हूँ कि उससे भी वो गोबर से कुछ बनाने की योजना है पहले वो योजना हमारी पूरी हो जाए अभी बात चल रही है तो फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।